अब डेबिट नॉट विदाउट आइटम और क्रेडिट नॉट विदाउट आइटम, और इससे पहले देखोगे आप यह भी डेबिट नॉट है और यह भी क्रेडिट नॉट है। परचेज रिटर्न को भी डेबिट नॉट कहा जाता है और सेल रिटर्न को भी आपका क्रेडिट नॉट कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आपकी क्वांटिटी एडजस्ट की जाती है, क्वांटिटी एडजस्ट होती है, और ये आपका सिर्फ अमाउंट को एडजस्ट करता है। इसके अंदर क्वांटिटी और अमाउंट दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ अमाउंट एडजस्ट होगा। अब हमें इन दोनों का यूज कब कब करना है और कैसे करना है? परचेज रिटर्न आपको मालूम ही है, आपने कोई माल वापस कर दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। और इसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं डेबिट नोट, और कई कई बार इसको हम जीआरबी कहते हैं, परचेज रिटर्न को, और सेल रिटर्न को भी जीआर कहते हैं। जीआर नाम जो है कॉमन है गुड्स रिटर्न, चाहे वो परचेज रिटर्न हो चाहे वो सेल रिटर्न हो। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, ये कब कब और कैसे कैसे बनाए जाएंगे? माल वापस आया, ठीक है, ये आपने किया, तो इन दोनों के लिए इसका यूज हो जाएगा। लेकिन जब आपको सिर्फ अमाउंट की ही एडजस्टमेंट करनी रहेगी, तो आप उसके लिए यूज करेंगे डेबिट नोट विदाउट आइटम और क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैंने एक पार्टी से कोई आइटम परचेज किया जिसका रेट था 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर पीसेस, ठीक है। पार्टी से बिलिंग हुई और पार्टी ने मुझे उस एक प्रोडक्ट का रेट 120 रुपये लगा के दे दिया। कितना लगा के दे दिया? 120 रुपये, यानी कि 20 रुपीज़ ज़्यादा लगा के दे दिया। अब मुझे क्या करना है, उस अमाउंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक परचेज डालते हैं, पहले परचेज डाली हमने और हमने यहाँ पर पार्टी का नाम डाल दिया, और मैंने कहा, मैंने आइटम ये परचेज करी बेडशीट, और इसकी मैंने 100 क्वांटिटी परचेज करी। पार्टी ने मेरे नाम से बिलिंग कर दी कितने की? 120 की। लेकिन उस पार्टी से मेरी बात हुई थी कि मुझे जो आइटम जो चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए 100 में चाहिए। अब यहाँ पर रेट का डिफरेंस कितना आ गया? 20 रुपीज़। यानी कि आप टोटल कैलकुलेशन देखोगे तो कितने का डिफरेंस दिखाएगा? 100 × 20, यानी कि 2000 रुपये की बिलिंग ज़्यादा हो गया, एक्सीड हो गया। अब 2000 रुपये की अमाउंट को क्या करने के लिए? कम करने के लिए या बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए डेबिट नोट इशू करते हैं, अमाउंट की एडजस्टमेंट करने के लिए। तो देखो अब कैसे आप डेबिट नोट इशू करेंगे। तो डेबिट नोट इशू करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको आना है डेबिट नोट विदाउट आइटम, ऐड करना है वाउचर सीरीज में, डेट डालनी है, तो हमने यहाँ पर डेट डाली किस डेट में डेबिट नोट बना रहे हैं और किस पार्टी के नाम पर। तो यहाँ पर हम पार्टी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने कहा बिजी सॉफ्टवेयर के नाम पर कितने का डिफरेंसेस था? 2000 का, तो हमने यहाँ पर 2000 डाला। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना देंगे डेबिट नोट। तो यहाँ पर आपका डेबिट नोट बना नहीं रहेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर F3 बटन दबाकर डेबिट नोट बनाना है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे डेबिट नोट, और इसके अंडर ग्रुप में आप डाल दोगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डालोगे और इसको F2 से सेव कर दोगे। अब नीचे नोट डालोगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने ये 2000 रुपये का डेबिट नोट डाला है। तो यहां पर आप लिख दोगे बीइंग रेट डिफरेंस, ठीक है, कितने रुपए का? 20 रुपीज एज क्वांटिटी, इनवॉइस नंबर 122, ठीक है। यानी कि जो इनवॉइस नंबर 120 था उसके अंदर कितने का रेट डिफरेंस है? 20 रुपीज़ का। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया? डेबिट नोट डाला। और अब अगर आप पार्टी का लेजर निकालोगे और पार्टी का नाम डालोगे, जैसे बिजी मैंने डाला पार्टी का नाम और लेजर निकाल लिया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने परचेज कितने का किया था, इनसे 12,000 का परचेज किया था,
और क्या करा, अब हमने यहाँ पर 2,000 रुपये का डेबिट नोट इशू कर दिया, तो इसकी अमाउंट कितनी रह गई, 10,000 रुपये। अब इस डेबिट नोट का देखो इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखाएगा, एक तो यहाँ पर आपका लेजर में दिखा दिया इफेक्ट, दूसरा जो इफेक्ट दिखाएगा आपका, आप अगर परचेज का लेजर निकालोगे, परचेज के लेजर में, परचेज के लेजर में ये नहीं दिखा रहा, ठीक, हम देखते हैं डिस्प्ले के अंदर फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर हम निकालते हैं पी एंड एल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम देखते हैं क्या हमारा यहाँ पर डेबिट नोट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे एंटर करोगे तो इसके अंदर आपको डेबिट नोट दिखा देगा, यानी कि आपके 2,000 रुपये की जो है परचेज इसके अंदर से क्या कर देगा, माइनस हो जाएगी यहाँ पर। तो टोटल देखो परचेज थी आपकी 27,800 की, 2,000 का आपका डेबिट नोट हैगा, तो अब आपकी जो परचेज कितनी होगी, 4,25,800, ठीक है। तो ये डेबिट नोट था किसके लिए, अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए जो भी अमाउंट आएगी आपकी। अब इसका रीजन कोई भी हो सकता है, या तो आपका रेट डिफरेंस है, या आपको डिस्काउंट मिला था लेकिन बिल के अंदर डिस्काउंट को ऐड नहीं किया था, या फिर हम क्या करते हैं पार्टी को अगर जल्दी पेमेंट देते हैं तो उसकी कुछ अमाउंट हम काट के पेमेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर हमने कोई आइटम परचेज किया था और वो आइटम खराब निकल गया हमारे पास, और पार्टी ने कहा क्या करो आप इसका रेट डाउन कर लो और आगे सेल कर दो, तो हम क्या करते हैं उतने ही अमाउंट का यहाँ पर डेबिट नोट बना देते हैं अपन, ठीक है। तो पहला रीजन ये है, और आपको इस तरह से डेबिट नोट बनाना है यहाँ पर, तो डेबिट नोट बन जाएगा। अब डेबिट नोट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, डेबिट नोट बनाने के बाद आप बनाएंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब बनेगा, क्रेडिट नोट बनेगा हमने किसी एक पार्टी को सेल किया, और सेल के बाद पार्टी ने कहा कि आपने इसका रेट ज़्यादा लगा दिया, या फिर हम इसके अंदर डिस्काउंट डालना भूल गए, जैसे कि पार्टी के आइटम ने सेल करी, रेट्स का हमने 250 डाल दिया, ठीक है, और हमको ना इस पे 10% डिस्काउंट देना था, 10% डिस्काउंट कितना हो जाता है 500, लेकिन हमने क्या करा इनवॉइस बनाया और डायरेक्ट ही पार्टी को भेज दिया, हम इसके अंदर डिस्काउंट डालना भूल गए। अब अगर हम इसके अंदर डिस्काउंट डालना भूल गए, अब हमें क्या करना है, उसके बिल के अंदर से या उसके लेजर में हमको 500 रुपये कम करने, तो 500 रुपीज कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उतने ही अमाउंट का अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करेंगे, और यहाँ पर हम आएंगे क्रेडिट नोट इशू करने के लिए, ऐड करेंगे क्रेडिट नोट विदाउट आइटम, और यहाँ पर आप डेट डालोगे जिस डेट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, और पार्टी का नाम, तो यहाँ पर हम डाल देंगे पार्टी का नाम, कितने अमाउंट का, तो हमने कहा 500 अमाउंट का, और क्या इशू किया यहाँ पर हमने कैट नोट, तो यहां पर हम लिख देंगे नाम क्या कैट नोट। अब कैट नोट का भी अकाउंट यहां पर बना हुआ नहीं है, तो हमको क्या करना है, कैट नोट का अकाउंट बनाने के लिए आपको F3 बटन दबाना है, और यहां पर आपको लिख देना है कैट नोट, और अब इसके अंडर ग्रुप के अंदर आप क्या डालोगे, सेल। जब भी आप डेबिट नोट बनाओगे तो डेबिट नोट के अंडर ग्रुप में क्या रहेगा, परचेज, और क्रेडिट नोट के अंडर ग्रुप में आपको रखना है सेल, ठीक है। सेल डालोगे, F2 बटन दबाओगे, और यहां पर इसको एंटर करके सेव कर लोगे, और अब अगर लेजर निकालोगे किसका, पार्टी का, सलमान जिपर का, और F2 बटन दबा के देखोगे तो 500 रुपीज यहां पर इसके लेजर में से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इस तरह से कैट नोट बन जाएगा।
अब इसका इफेक्ट देखने के लिए कहाँ पर आओगे आप? इसका इफेक्ट भी दिखाएगा आपको डिस्प्ले के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, और जितनी आपकी सेल होगी उस सेल अमाउंट में से क्या कर देगा, 500 कम कर देगा। तो यहाँ पर आपका आ गया क्रेडिट नोट और सेल अमाउंट। सेल थी आपकी 42,74,000 की, लेकिन हमने क्या कर दिया, 500 का डेबिट नोट इशू कर दिया। तो अब यहाँ पर जो हमारी सेल ले रह गई वो कितने की रह गई, 52,73,500 की। ये अब हमारी जो है सेल की अमाउंट यहाँ पर रह गई है। ठीक है, तो ये था आपका डेबिट नोट विदाउट आइटम और क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। ये इस तरह से आपको इशू करना है यहाँ पर, चाहे रेट का डिफरेंसेस हो, चाहे कोई भी रीजन हो, अगर आपको अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको यूज करना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया पूरा का पूरा?